गाइस वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे। तो यस्टरडे हम शिफ्ट हो गए हैं, आपको दिख रहा है एक नया बैकग्राउंड। तो अभी से ब्लॉग यहाँ से ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यस्टरडे आके हमने जितना भी सामान है उसको अनपैक किया, घर को थोड़ा सा समेटा और हम थोड़ा बहुत सेटल डाउन यहाँ पे हो गए हैं। तो आज हो गए हैं नेक्स्ट डे। मॉर्निंग में उठ के ही मैंने ब्रेकफास्ट करके अभी फ्रेश हो गई हूँ, मुझे जाना है अपने इन लॉज से मिलने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बीच में थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं, आप लोगों को अपडेट दे देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसी के साथ मैंने शिफ्टिंग कैसे किया बेंगलोर में, एक बहुत सारे सामान के साथ हम रहते थे। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखा, होम टूर वाला ब्लॉग देखा, तो जितना भी फर्नीचर वगैरह देख रहे थे आप लोग, वो लोग मेरे खुद के थे। तो उसको मैंने पूरा सामान के साथ कैसे शिफ्ट हुई हूँ उसका भी अपडेट मुझे देना था। तो इसी सिलसिले में मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है, आप लोग इसमें बने रहिए। और इस मूव होने का या शिफ्ट होने का रीज़न, डिसीजन अचानक क्यों हम शिफ्ट हो गए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो मैं बता दो, अचानक नहीं है ये डिसीजन, काफ़ी पहले से था कि हम लोगों को असम में ही परमानेंट होना है। कहाँ शिफ्ट हुए हैं, नेटिव प्लेस असम, तो यहाँ पर ही हमें सेटल डाउन होना है। वहाँ पर बेंगलोर में हम काफ़ी टाइम से रह रहे थे, 7-8 ईयर्स से मैं रह रही थी और मेरे हस्बैंड तो 10+ होगा, मतलब मोर देन 10 ईयर्स से वो रह रहे हैं। तो बेबी का बर्थ भी वहाँ पे ही हुआ, तो काफ़ी सामान हो गए थे। जितना टाइम आप वक्त गुजरता गया उतना ही सामान बढ़ता गया। तो हमने कैसे शिफ्ट किया उसके बारे में मैं बताऊँ, तो शिफ्टिंग जितना भी फर्नीचर थे मेरे उस सबको मैंने ऑयल एक्स पे सेल कर दिया, और बाकी 80% तो बर्तन और कपड़े जिसको मैंने डोनेट कर दिया, और बाकी बचे कुछ जितने भी थे उसको मैंने कुरियर किया। तो कुरियर का सर्विस ऐसा है, कोई कोई एजेंसी रहते हैं वो लोग घर पे आते हैं, आके पूरा सामान आपका पैक करते हैं और आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है जब वो वेट नाप रहे होते हैं, जब उसका वेट करा रहे होते हैं तब आपको ध्यान देना है। तो उस हिसाब से वो अपने आपके एड्रेस पे भेज देंगे, हमें 5 to 7 डेज में मिल जाएगा ऐसा बोला गया है। और उसका प्राइस की बात करूँ मैं, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल ही मुझे लगा, इतना भी ज़्यादा नहीं था। तो ये काफ़ी इतना इजी तो नहीं था घर शिफ्ट करना, फिर भी इसके वजह से काफ़ी इजी हो गया, पैकिंग भी करना नहीं पड़ा। और जितना बाकी 3 to 4 बैग्स हम अपने साथ लेके आए, क्योंकि हम 3 लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो 3 बिग साइज ट्रॉलीज हमारे साथ आ गए कुछ इस तरीके के, और स्मॉल साइज में 2-3 बैग थे। तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के सामान थे जो आते ही हमें मतलब चाहिए, उसको हम साथ में लेके आए, जिसको मैंने यस्टरडे ही उसको अनपैक करके अच्छे से सेटल कर लिया हूँ। तो इस बार मेरा एयरपोर्ट लुक कुछ ऐसा था। ये ड्रेस मैंने लिया है फ्रॉम मिंत्रा ब्रांड, ऑल अबाउट यू, एंड शूज फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। आपको ये आउटफिट कैसा लगा, ये लुक कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए, अभी एक डिफरेंट जगह से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ब्लॉग्स, आप लोग कनेक्टेड रहिए, आप लोग को अच्छा लगेगा वॉच करके। तो यही था एक वीडियो जिसमें मैंने मुझे अपडेट करना था कि क्या चल रहा है इन दिनों में, क्या कर रही हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।